ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, मैं सुमित कुमार सिंह, आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगधपुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा सभी को मालूम है कि हमारा प्रारंभिक परीक्षा जो है वह 10 अक्टूबर को आयोजित होगा या फिर कंडक्ट कराया जाएगा यूपीएससी के द्वारा। तो अब एक मंथ से भी कम का समय बाकी है, लेस देन वन मंथ कह सकते हैं कि एक दो दिन आगे पीछे वो चलता है, बट 9 या 10 को आप एग्जाम देने जाएंगे तो एक महीना ही मान के चले, अप्रॉक्सीमेट 30 दिन शेष बचे हैं। इस 30 दिनों के अंतराल में हम अपने आत्मविश्वास, अपने कॉन्फिडेंस को कैसे कह सकते हैं कि बरकरार रखें, बनाए रखें, ताकि जब हम अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाएं उस वक्त जो है उतना स्ट्रेस और चिंता से विमुक्त होकर जाएं। और कह सकते हैं जब आप टेंशन फ्री रहते हैं, रिलैक्स वे में जब आप एग्जामिनेशन देते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज हो जाती है। इनफैक्ट स्पोर्ट्स एग्जाम कह सकते हैं हो या फिर कहीं खेल कूद का मैदान हो, एक शोध में ऐसा पाया गया कि जब आप चिंता ग्रसित नहीं होते हैं तो आपको परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक उसी प्रकार कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, ओलंपिक गेम रिसेंटली कंडक्ट हुआ या फिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रारंभिक परीक्षा, जब आप पूरे आत्मविश्वास के साथ होते हैं, आत्मविश्वास से भरे होते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इतना होता है कि चलो अब जो भी परिणाम आएंगे वो देखा जाएगा, हम अपना बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट यहाँ जो है पूरे के पूरे कह सकते हैं फोकस करके हम अपना एग्जामिनेशन दें और रिजल्ट ऊपर वाले भी छोड़ दें, तब जब है हमारा जो कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस इंक्रीज होता ही है और मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तो इस एक महीने के अंतराल में हम लोग आज इस पे बात करेंगे कि हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग प्रीलिम्स प्रिपरेशन। एक महीना बाकी है और यह एक महीना कह सकते हैं कि आपकी तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण महीना है। कह सकते हैं इफ एंड्स वेल देन ऑल वेल, अंत भला तो सब भला। ठीक उसी प्रकार आखिरी स्टेज की प्रिपरेशन में अगर आप अपना कह सकते हैं कि सर्वोच्च इसमें समर्पण कर दिए, अपना कह सकते हैं कि तन मन धन लगा के इसमें प्रिपरेशन किए, तो आपका परफॉर्मेंस तो इंक्रीज होगा ही और आप कट ऑफ से भी अभव ला सकेंगे, जिससे कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। तो इसके लिए कुछ चीजें जरूरी है कि आप कंसिस्टेंस वे में 30 दिन तक लगातार और कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस परीक्षा की तैयारी में जुटे रहे। देखिए कोई भी परीक्षार्थी हो, चाहे फर्स्ट अटेम्प्टर हो, न्यू एस्पिरेंट्स हो, जिन्होंने भी इस बार का मार्च का नोटिफिकेशन निकलने के बाद अपना फॉर्म फिलअप किए हैं, तो वह इस उद्देश्य के साथ किए होंगे कि हमको इस एग्जामिनेशन में अपीयर होना है, इसमें बैठना है, इसकी एग्जामिनेशन देंगे। और मार्च के बाद लगभग अक्टूबर में एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं, तो अच्छा एक लंबा समय मिल जाता है आपको अपनी तैयारी का और मिला, तो इसको देखते हुए भी कह सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, या फिर आपने 6 महीना ही इसमें दिया है या फिर 6 साल आपने इसमें इन्वेस्ट किया है, जो समय बीत चुका है अब उसे बीतते बिसार दे, जो बीत चुका है उसे आप भूल जाए। अब तक आपने जो भी अध्ययन अध्यापन किया है उसमें अब जो भी निचोड़ निकलता है उसमें अब आपको सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं कि अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन एग्जाम में देना है। तो जो अब तक आपने पढ़ा है उसके स्ट्रेंथ के आधार पर, देखिए वीकनेसेस हर चीज में होते हैं, नो मैंस इन द लैंड इज परफेक्ट, इस पूरी भूमि में कोई भी परफेक्ट नहीं, जो परफेक्ट है फिर वो भगवान है, मनुष्य हो ही नहीं सकता। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि आप और यूपीएससी इज द गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, नो वन कैन प्रिडिक्ट द क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन, नो इनफैक्ट नो टीचर, नो मेंटर्स, नो सीनियर्स, जो इतने इंस्टीट्यूट्स वगैरह खुल रखे हैं वो भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि भाई इस बार प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मॉक टेस्ट का सीरीज आता है, लेकिन सीरीज से आप देखो तो क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, कॉन्सेप्ट मिलते हैं, और कोई क्लेम भी नहीं कर सकता भाई यूपीएससी का एक स्टैंडर्ड है, उसका लेवल है। मतलब अगर यूपीएससी का कह सकते हैं क्वेश्चंस अगर यूं ही कोचिंग संस्थानों के मॉक टेस्ट से आने लगे तो वो फिर यूपीएससी ना रहेगा। लेकिन है कि यूपीएससी कि कह सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए जो मॉक टेस्ट निकलता है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, और कह सकते हैं उससे कॉन्फिडेंस जनरेट होता है उसका, उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग कई एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बस हम लोग यहाँ बात करेंगे
कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस की। तो कंसिस्टेंसी के लिए सबसे बड़ी चीज है कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करें, जितनी बार हो सके जितने बार आप रिवीजन कर सके रिवीजन करें। और इसके साथ साथ अन्य जो है हम लोग प्रमुख तीन बिंदुओं पे यहां बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा है वह है डोंट सेल्फ डाउट। यानी डोंट सेल्फ डाउट कहने का मतलब है डोंट डोंट नहीं, या फिर हमें अपने आप पे जो है डाउट नहीं करना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी चीज है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने अंदर आत्मविश्वास को डेवलप करें, कल्टिवेट करें कि हाँ हम भगवान को पा सकते हैं या भगवान का साक्षात दर्शन कर सकते हैं या भगवान की अगर खोज में जाना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आप यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, इसमें कह सकते हैं कि इसके कट ऑफ एबव मार्क्स लाना चाहते हैं, तो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, अदरवाइज नो वन कैन बिलीव इन योर सेल्फ अंटिल एंड अनलेस यू बिलीव इन योर सेल्फ। सो डोंट डाउट ऑन योर सेल्फ। आप अपने आप पर जो है डाउट कोई फील ना करें। देखिए आपकी जो प्रिपरेशन हो चुकी है वो तो हो चुकी है, अब जो शेष एक महीने बाकी है और अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आप अपने आप पर विश्वास रखें या आत्मविश्वास जनरेट करें कि अब जैसा भी रहा हो हमारी तैयारी इस एग्जामिनेशन में अपीयर होना है। अब फॉर्म भर दिया है तो अपीयर हो जाना ही चाहिए, क्योंकि आपकी फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम का लगभग एक लंबा समय, एक लंबा टेन्योर आपको मिला है प्रिपरेशन के लिए। और मैं बार बार कहता हूं कि इसमें कोई परफेक्शन नहीं कह सकते, मेरी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, तो इसलिए आप अपने ऊपर जो है डाउट करना छोड़ दें। सेल्फ बिलीव, बिलीव इन योर सेल्फ, और कह सकते हैं कि जब डाउट को हटाएंगे अपने ऊपर, जब आत्मविश्वास को डेवलप करेंगे या फिर अपने ऊपर जो कह सकते हैं कि वो कह सकते हैं ना कि जो भी हुआ सो हुआ, अब जो है हमें एग्जामिनेशन में अपीयर होना है और अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, तो सेल्फ डाउट को हटाना है, जितने भी कह सकते हैं आपका प्रिपरेशन है उसे बार बार रिविजन करना है। दूसरा पॉइंट है वह फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। देखिए हर एक विद्यार्थियों का कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होता है, कुछ ना कुछ वीकनेसेस होते हैं, तो मैं वीकनेस इसलिए यहां नहीं लिखा, यहां स्ट्रेंथ में इसलिए यहां डिनोट कर रहा हूं स्ट्रेंथ। आप अपने स्ट्रेंथ पे अधिक फोकस करें। देखिए होगा क्या, अब एक महीना में कोई आप न्यू टॉपिक्स को पढ़ते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं, फिर उसे आप रिवीजन नहीं करेंगे, लाभ क्या होगा? नए करेंट अफेयर, नए मैगजीन्स को अब एक्युमुलेट करने का समय नहीं है। एक महीना शेष बचे हैं हमारे पास, इस एक महीने में हम अपने स्ट्रेंथ पे जितना ध्यान देंगे, जितना फोकस करेंगे, वो अधिक लाभकारी होगा, अधिक हेल्पफुल होगा। तो इसलिए मैं बार बार विद्यार्थियों से कहता हूँ कि आप अपने स्ट्रेंथ के ऊपर जो है अधिक रिलाई करें, अधिक कह सकते हैं फोकस करें और अधिक भरोसा करें, क्योंकि स्ट्रेंथ वो स्पेसिफिक एरिया होता है। जैसे अब है कि हिस्ट्री में अगर आपकी स्ट्रेंथ मॉडर्न हिस्ट्री है तो उससे अधिक क्वेश्चन आते हैं, उस पर आप फोकस करें। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से अधिक क्वेश्चंस आता है, फिर इसी प्रकार साइंस एंड टेक करेंट अफेयर बेस्ड है, तो जो जो आपका स्ट्रेंथ है उस पर और अधिक उसका रिविजन करें। ठीक है जी, ऐसा नहीं कि कोई नए टॉपिक एकदम से प्रारंभ कर दे, नहीं, अब नए टॉपिक्स को कवर करने की आवश्यकता नहीं, नए बुक्स को परचेज करने की आवश्यकता नहीं, जो बुक्स स्टडी मटेरियल या फिर स्टैटिक में या फिर करंट अफेयर में जो नोट्स है उसी को आप बार बार रिवाइज करें। तो स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे तो आपने जो कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी पढ़ रखा है उसे दोबारा रिविजन करेंगे, उससे कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, और फिर जो है मॉक टेस्ट वगैरह जो अगर अभी तक आपने नहीं दिया, तो माई डियर फ्रेंड्स आप कम से कम कोई भी एक इंस्टीट्यूट का, इनसाइट ऑन इंडिया हो, विजन हो, या फिर जो भी इंस्टीट्यूट में आप कह सकते हैं कि आप एक मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, ऑनलाइन ज्वाइन करें या फिर ऑफलाइन आप मुखर्जी नगर या कोलबाग कॉरियर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। तो आप अपने स्ट्रेंथ को किस प्रकार से और अच्छा कह सकते हैं 100% देंगे, जैसे कह सकते हैं 60-40 का रेशियो मानकर चले कि 60 में आपका स्ट्रेंथ है, तो इस पर अधिक रिलाई करें। 40 क्वेश्चंस में आप 2-4-10 क्वेश्चंस आप ऐसे ही कह सकते हैं कुछ एलिमिनेट की ट्रिक्स को अपना कर, या फिर कुछ कह सकते हैं कि ऐसे हो जाते हैं क्वेश्चंस को जब आप पढ़ेंगे, तो कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो ऑन द स्पॉट आप कुछ नहीं जानते हो, बट आप क्वेश्चंस को अगर 2-3 बार पढ़ेंगे तो 1-2 ऑप्शन आप उसे एलिमिनेट कर देंगे और फिर उसमें आप टिक लगा के सही कर देंगे। 60 जो ये पोर्शन है, 60 का जो ये पोर्शन है, वो 60 क्वेश्चन हमारे ऐसे होने चाहिए जिसमें हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं 60 में 55 मतलब मेरे ठीक होने चाहिए। तो इस स्ट्रेंथ के ऊपर अधिक हमें रिलाई करना है, इस स्ट्रेंथ के ऊपर अधिक हमें फोकस करना है। अब है कि मेक वन मंथ प्लान। देखिए ये 30 डेज हमारे पास लेफ्ट है, एक महीने हमारे पास शेष है, इस एक महीने में हम प्लान इस प्रकार से बनाएं जैसे हमारी
हर चीज की प्लान होनी चाहिए, जैसे मेंटली और फिजिकली फिटनेस की भी प्लान होनी चाहिए कि हम कम से कम प्रॉपर वे में 8 घंटे का स्लीप ले रहे हैं, जिससे कि हमारा मेंटली जो है उतना स्ट्रेस और तनाव पूर्ण हमारा कह सकते हैं मस्तिष्क ना रहे, और हम जो है लेट नाइट स्टडी ना करें, बिकॉज एक हैबिट कल्टिवेट हुआ। और जब आप एग्जाम जो है दिन में कंडक्ट कराया जाएगा 2 शिफ्टों में एक ही दिन में, तो उस वक्त अगर आप लेट नाइट स्टडी करते हैं तो उस वक्त आपका दिमाग दिन में काम नहीं करेगा। इसलिए इस 1 महीने के अंतराल में आप रात को सोएं और दिन को अध्ययन अध्यापन करें। तो ये कुछ चीजें हैं कि 1 महीने का प्लान आपका ऐसा होना चाहिए, 1 महीने का आपका जो कह सकते हैं कि रूटीन इस प्रकार से होना चाहिए जो कि आपकी एग्जामिनेशन हॉल में जो है यह फायदेमंद हो। और आप जो है मॉक टेस्ट जैसे 2-2 सेट पेपर कर सकते हैं, एक मॉर्निंग में एक आफ्टरनून में, एज अ एग्जामिनेशन की तरह, जैसे कि कह सकते हैं एक हैबिट कल्टीवेट हुआ कि हम नहीं एग्जामिनेशन हॉल में ही दे रहे हैं, 2 घंटे का अभ्यास करें कि 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करते हैं, 100 नहीं तो कम से कम 80 क्वेश्चन तो जरूर करें, फिर सी सैट को हल्के में ना ले। आई नो दिस इज क्वालिफाइंग इन नेचर, बट यू हैव टू क्वालिफाई सी सैट पेपर्स, अदरवाइज यू विल बी डिक्लेयर फेल। सो सी सैट पे भी फोकस करना है, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज वगैरह हो गया, रीजनिंग या एनालिटिकल एबिलिटीज के क्वेश्चन जितने भी हैं, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन भी अगर आप देख ले हो तो, नहीं तो कुछ क्वेश्चन को उसमें छोड़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार की एक आप रूटीन और प्लान बनाएं ताकि एक सी सैट का पेपर या सी सैट का एक 2 टाइम्स में आप या 3 टाइम्स में डिवोट करें, एक रिविजन के लिए, दूसरा सी सैट के लिए, और जो है तीसरा आप कह सकते हैं कि GS1 पेपर के लिए। तो इस प्रकार से कुछ आप अपने अकॉर्डिंग प्लान बना सकते हैं। ये मैंने कहा था कि इसी ये प्लान के और रूटीन के ऊपर चलें, बट सफिशियंट 7-8 आवर स्लीप और प्रॉपर डाइट, जिससे ऐसा नहीं को आप बीमार पड़ जाएं या फिर मतलब इधर उधर का खाना खाने से बचें जहां तक हो सके, फ्रेश और कह सकते हैं कि एनर्जेटिक फूड को लें, फल फ्रूट्स को खाएं और प्रॉपर स्लीप जो है जरूर ले। और इस प्रकार से आप अपनी रूटीन बनाएं इस 1 मंथ का और बहुत अधिक देर समय तक लेट नाइट स्टडी ना करें। तो ये कुछ जो है कंसिस्टेंसी से बरकरार रहेगी अगर आप प्रॉपर रूटीन बनाते हैं तो। अगर आप स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे मॉक टेस्ट में, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप्ड होगा, और सेल्फ डाउट को अगर आप हटाएंगे तो ओवरऑल आपका एग्जामिनेशन में आपकी कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। तो ये कुछ 3 बिंदुओं पर चर्चा करना था कि हाउ टू मेंटेन कैसे करने हैं अपनी कंसिस्टेंसी को, लगातार हम इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को, और ठीक उसी प्रकार हम अपने कॉन्फिडेंस को कैसे जो है वो बरकरार रखें, आत्मविश्वास को इस प्रकार से रखें ताकि हम एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे से अच्छे प्रदर्शन दे सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वंस अगेन। अगर कोई डाउट, कोई कमेंट, कोई सजेशन, एडवाइस आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।